think I have a chance? Can you have a shot? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। तोंद क्यों बढ़ती है? दोस्तों क्या आपका तोंद भी बढ़ा हुआ है? अगर हाँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये तो कहा जाता है कि तोंद एक सूखी इंसान की निशानी होती है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि निकली हुई तोंद बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है? जी हाँ, क्योंकि जब पूरे शरीर में फैट बनता है तो उसे बॉडी फैट कहते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन में मदद करता है। लेकिन जब बात तोंद की आती है तो यहाँ पर जो चर्बी होती है वो एक ही जगह पर इकट्ठा होती है और वो जगह आपका पेट है। ऐसे में आज हम इंसान की निकली हुई तोंद के पीछे के कारण को बताएंगे कि आखिर ये किस तरह निकलती है और किस लेवल तक खतरनाक हो सकती है। अगर आपका भी हल्का फुल्का ही सही लेकिन पेट निकला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें, पेट में बनने वाला फैट दो तरह का होता है। एक तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन होते हैं उन्हीं के साथ लिपटा होता है और बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दूसरा फैट होता है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में तोंद भी कहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये तोंद क्यों निकलती है, आइए जानते हैं। दोस्तों तोंद निकलने का सबसे पहला कारण है ब्रेकफास्ट ना करना। कई लोग काम की जल्दी में या फिर किसी और कारण से ब्रेकफास्ट नहीं करते, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म काफी धीमा पड़ जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन ब्रेकफास्ट करने का ये भी मतलब नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा खा लें। आपको हमेशा हेल्दी खाना ही ब्रेकफास्ट में करना चाहिए। तोंद निकलने के दूसरे कारण पर जाएं तो वो है कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, क्योंकि कई लोग बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के आदि हो जाते हैं, जबकि एक ऐसी ड्रिंक है जिसमें आर्टिफिशियल शुगर भरपूर मात्रा में मौजूद होती है। इससे आपकी भूख भी बढ़ जाती है, जिससे आप आवश्यकता से ज्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से आपका पेट निकलता है। अगला कारण तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है तनाव में रहना, क्योंकि अगर तनाव में आप रहते हैं तो इससे आपके पेट का मोटापा बढ़ सकता है। असल में स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार कोर्टिसोल हार्मोन के कारण आपके शरीर में पेट वाले हिस्से में काफी फैट जमा हो जाता है। दोस्तों पेट निकलने का अगला कारण है अधिक मात्रा में अल्कोहल पीना, क्योंकि इससे आप अधिक मात्रा में कैलोरी हासिल कर लेते हैं, जिससे आपके पेट के आसपास के वजन का हिस्सा बढ़ने लग जाता है। इसलिए हमेशा अल्कोहल का सीमित मात्रा में सेवन करें, क्योंकि अगर हम आपसे बोलेंगे कि अल्कोहल का सेवन बंद कर दो तो हमें पूरा विश्वास है आप हमारे ऐसा बोलने से मानेंगे तो है नहीं, लेकिन शायद आप ये सुनकर अपने आप को रोक लेंगे कि इसका नियमित और लिमिट में सेवन करना ही आपके और आपके शरीर के लिए अच्छा है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले कारण की, जो की है देर रात में डिनर करना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो काफी लेट डिनर करते हैं, जिसकी वजह से आपके खाने में फैट होने के कारण वो पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता और फलस्वरूप आपके पेट का मोटापा बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि लेट नाइट डिनर से आपको कब्ज और अपच की समस्या भी देखने को मिल जाती है। इसलिए हमेशा सोने से 4-5 घंटे पहले डिनर कंप्लीट कर लें। आपको बता दें, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर में DHEA हार्मोन बनना कम हो जाता है, जिससे आपके पेट का मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उम्र के वजन के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होने लगती है, जो कि बैले फैट यानी तोंद को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी तोंद निकलने के आसार उतने ही ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए उम्र के साथ और ज्यादा एक्सरसाइज और अपने शरीर पर ध्यान देना जरूरी है। अगले कारण के बारे में बात करें तो वो है गलत चीजें खाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मीट और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे शरीर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ जाती है और ये ऐसा फैट होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इसी वजह से पेट का मोटापा भी बढ़ने लगता है। दोस्तों तोंद निकलने का अगला कारण है अच्छी नींद न लेना, क्योंकि अगर आप ठीक तरह से नींद नहीं ले रहे तो इसके कारण भी आपका बैली फैट यानी कि तोंद निकल सकती है। और ये हम यू ही नहीं कह रहे बल्कि अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अच्छी नींद न लेने के कारण आप लगभग 300 कैलोरी ज्यादा हासिल कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम नींद लेने से न सिर्फ मोटापा बढ़ता है बल्कि शरीर में कई सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि दिमाग का भी ठीक तरह से काम करना बंद हो जाता है और इंसान अगले दिन थका थका सा महसूस करता है।
और जिसकी रोज कम सोने की आदत होती है उसका दिमाग बाकियों के मुकाबले अधिक उलझा हुआ रहता है, इसलिए हमेशा अच्छी नींद लेना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके शरीर का आकार सेब यानी एप्पल के जैसा है तो ऐसे में आपकी जांघों और हिप्स की तुलना में पेट वाले हिस्से का वजन ज्यादा बढ़ता है। इसके पीछे अनुवांशिक कारण होते हैं और इस तरह के लोगों को बेली फैट कम करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये बॉडी का एक अलग तरीके का शेप है जो शरीर के एक बार अंदर हो जाए तो दिक्कतें बढ़ने लगती है और इंसान चाहकर भी जल्दी अपने वजन को कम नहीं कर पाता और ना ही अपनी तोंद को अंदर कर पाता है, इसलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट की जरूरत पड़ती है। तोंद निकलने का अगला कारण तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान दिन भर बैठा रहेगा तो फिर चाहे वो ऑफिस हो या घर पर, उसके शरीर का वजन बढ़ेगा और इसका असर खास तौर पर पेट जांघ वाले हिस्से पर होता है। इसलिए भले ही आपका काम बैठकर करने वाला हो लेकिन थोड़ी देर बाद टहलना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटीज बनी रहेगी और आपका मोटापा कम होने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जब इंसान एक ही जगह पर लगातार बैठा रहता है तो उसके शरीर की मसल्स में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं होता, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है और शरीर में बनने वाला फैट निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।